आज से पूरे भारतवर्ष में 1 जुलाई से लागू होने वाले नए कानून व्यवस्था को लेकर जगदलपुर पुलिस प्रशासन ने दंड सहित न्याय सहित के कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य रूप से जगदलपुर विधायक किरण देव, आईजी सुंदर रासपी, जगदलपुर एसपी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समस्त शहरवासियों और स्कूल कॉलेजों के छात्रों की उपस्थिति में पुलिस प्रशासन ने नए कानून व्यवस्था की लोगों को जानकारी प्रदान की। भारत के नए कानून, विशेष रूप से भारतीय न्याय संहिता BNS का उद्देश्य देश की न्यायिक प्रणाली को अधिक अत्याधुनिक और प्रगतिशील बनाना है। 160 साल पुराने अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून भारतीय दंड संहिता IPC, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट को प्रतिस्थापित करके ये तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाए गए। इनका मुख्य उद्देश्य न्यायिक प्रतिक्रियाओं और को तेजी से और पारदर्शिता लाना, जिससे हर नागरिक को त्वरित और निष्पक्ष न्याय मिल सके। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का। बहुत दिनों से, काफ़ी वर्षों से इस बात को बाट जो रहे थे सभी नागरिक, किस तरीके से, और तीन ऐसे कानून हैं जिसके नाम का परिवर्तन, जिसके काम का परिवर्तन, सरलता सहजता से लोगों को, जनमानस को जैसे न्याय मिल सके। और 160-170 साल पुराना ऐसा कानून बना हुआ था ना, उसका इम्प्लीमेंट सही से हो पाता था, कहीं ज़रूरत से ज़्यादा गलती हो जाती थी उसमें, जिससे लोगों में एक वापो की स्थिति रहती थी जनता में। और जो न्याय संहिता में परिवर्तन, भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता का, इसी प्रकार से सभी नागरिक संहिता जैसे इस तरीके से और तीन ऐसे कानूनों को परिवर्तित करने का काम हुआ है, और इसकी बाट जो हो रही थी जनता सुगमता से, सरलता के साथ, और सारी चीज़ें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे, जीरो पे, हर जगह आप कहीं भी, आपके साथ घटना घटित हो जाए, आप संबंधित समीपस्थ थाने में, समीपस्थ जिले के अंतर्गत भी आप वहाँ पर अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है वो दर्ज करा सकते हैं। महिलाओं का मौलिक अधिकार, उस पर न्याय को सरलता से, सुगमता से उनको न्याय मिल सके। गवाहों को लेकर, साक्ष्य को लेकर साक्ष्य संहिता में परिवर्तन करने का काम हुआ है। निश्चित रूप से ये बहुत फलदायी है, और इस पर अवेयरनेस को लेकर आज ये कार्यक्रम हुआ था यहाँ पर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, और सभी सुधीजन भी यहाँ उपस्थित थे। मैं आप सभी से भी आग्रह करता हूँ, सभी लोगों को, क्योंकि बस्तर जैसे सुदूर वनांचल में, और इसका प्रचार प्रसार अच्छे से हो, इसकी जानकारी हमारे ग्रामीणों को, वनवासियों तक को मिले, और सब अवेयरनेस के साथ अब अपने अधिकारों को और जल्दी से जल्दी सुगमता के साथ निश्चित समय अवधि में सबको न्याय मिल सके, इस ओर अपने कदम बढ़ाएँ। और बहुत ही अच्छा हुआ, ब्रिटिश समय के ये कानून बने हुए थे। हमारा देश अलग परिवेश में है, जनसंख्या यहाँ की अलग परिस्थितियों की है, यहाँ के अपराधों की श्रेणियाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, निश्चित रूप से इसमें बहुत सहयोग। ओके सर, एक मिनट सर, जैसे हमारे देश के तीन पुराने कानून, जैसे इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या इंडियन एविडेंस एक्ट के एवज में, आज 1 जुलाई 2024 से तीन जो हमारा नवीन कानून है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, भारतीय साक्षी संहिता है और भारतीय न्याय संहिता है, ये तीनों कानून का आज से क्रियान्वयन की जा रही है। इसकी संदर्भ में सभी थाना में आज कार्यक्रम आयोजित किए जाकर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और सभी सामान्य नागरिक को आमंत्रित करके ये तीन नया कानून का जो प्रावधान के संदर्भ में और इसमें पीड़ित को किस प्रकार का जो न्याय मिलेगा, उनकी जो प्रक्रिया में क्या कुछ सरलता ले आ रहा है, इन सब विषय पर कार्यक्रम आयोजित करके सबको जागरूक की जा रही है। और अभी हमारे संवाद में भी, बस्तर संवाद में भी इसके क्रियान्वयन शुरू होगी। आज सबसे पहले जो दंतेवाड़ा जिला कुपवाड़ी थाना अंतर्गत जो पहले जो प्रकरण पंजीबद्ध भी हो गए थे, और आने वाले समय में जैसा जैसा केस थाने में आएगा उस हिसाब से जो नवीन कानून के तहत कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगा। और कल तक जैसा 30 जून तक जो प्रक्रिया थी पुराना कानून के तहत की जा रही है, और आज से जो अपराध पंजीबद्ध होगा वो नवीन कानून के तहत की जाएगी। इस कानून का मेन मकसद है जो दंड प्रणाली से न्याय प्रणाली को आगे ले जाने का, भारत सरकार और राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए थे सभी को हमने सबमिट किए गए थे, और मीडिया के माध्यम से हम क्षेत्रवासी से अपील करना चाहते हैं। अभी इस कानून के प्रति काफ़ी स्टडी मटेरियल भी हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और अलग अलग माध्यम से हम सर्कुलेट करेंगे, उसके बारे में पढ़ेगा और अन्य साथी लोगों को भी इसको जागरूक करें, ताकि जो शासन का उद्देश्य है वो पूरा हो, जो दंड प्रक्रिया से आगे न्याय प्रक्रिया को से हमारा जाना के जो मेन मकसद है, इसमें सब मिलकर सफलता प्राप्त कर सकता है।